हाँ जी नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देख सकते हैं आज हम चावल का यूज़ करते हुए उससे देसी शराब बनाना सीखेंगे। तो मैंने लगभग आधा किलो के आसपास चावल लिया है और उसको अभी हम अच्छे से क्लीन वाटर से इसे साफ़ कर लेंगे हमेशा की तरह। तो देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से साफ़ कर ले रहा हूँ ताकि जो भी कचरा वगैरह रहता है वो अलग हो जाए। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है थोड़ी अलग है, डिफरेंट है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखें और ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसे अच्छे से दो तीन पानी से मैं धो लिया हूँ और इसे अभी मैं कुकर अपने इंडक्शन चूल्हे पे रख के उसमें 2 लीटर पानी उसमें ऐड कर लिया हूँ और इसमें अभी हम इस चावल है वो उबालेंगे इसको। तो देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें चावल मिला लेते हैं। ठीक है, इसमें ढक्कन रख देंगे ताकि ये जल्दी उबल जाए। चलिए खोल के देखते हैं। तो हमारा चावल है अच्छे से उबल रहा है, लगभग 15 मिनट के पास में ये उबल जाएगा। 15 मिनट लगेंगे इसको उबलने के लिए। तो देख सकते हैं अभी मैं इसे 15 मिनट बाद खोलूँगा। तो इसको 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये जो चावल है अभी अच्छे से इसका जो भात बन चुका है तो ये पक चुका है अच्छे से, देख सकते हैं। तो ये अभी रेडी है, हमें इसको अभी ठंडा करने के लिए पंखे में रख देंगे और इसको अच्छे से अलग करके, मतलब इसको हमको फैलाना होगा ताकि ये जल्दी अच्छे से ठंडा हो जाए। तो मैं इसको अच्छे से फैला रह रहा हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देख सकते इसे मैं अच्छे से फैला लिया हूँ। ओके, तो अभी हम हमारा ईस्ट एक्टिवेट कर लेंगे। तो 2 स्पून शुगर लिया हूँ मैं, शक्कर, ये प्लेन शुगर है और उसमें थोड़ा सा नॉर्मल गुनगुना पानी है तो उसमें मिला लेना है। तो देखिए मैं कितना मिलाता हूँ। ओके, इतना काफ़ी रहेगा। चलिए इसे अच्छे से घोल लेते हैं ताकि जो शुगर है उसमें अच्छे से मिक्स हो सके। तो देखिए शुगर मिक्स हो चुकी है। तो ये जो ईस्ट है ये इसे ड्राई एक्टिव ईस्ट कहा जाता है और ये अमेजोन पे आपको 130 के आसपास मिल जाता है, लेकिन इस पर जो MRP है वो 399 रुपीज़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो 130 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम यही ईस्ट यूज़ करेंगे, ये बेकरी वाला है, कोई बात नहीं, हम हमेशा रेस्टा का यूज़ करते हैं, इस बार इसको यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए 2 स्पून ईस्ट इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये जो ईस्ट है इसका जो पावर है थोड़ा कम होता है तो ये हम इसमें 2 चम्मच मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे अच्छे से घोल लेना है और ये अच्छे से घोलने के बाद इसको हम थोड़ा साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये रेड स्टार का ईस्ट है, ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाता है लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो बेकरी वाला है वो ईस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस बार ये वही यूज़ किया। तो देख सकते काफ़ी अच्छा इसमें झाग आ चुका है, मतलब बबल आ चुके हैं, तो ये एक्टिव हो चुका है। तो देखिए हमारा जो चावल था मतलब काफ़ी ठंडा हो चुका है, उसको ठंडा होने के लिए रखा था हमें फैन में, तो ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए ये जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया है इसको हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे, मतलब इसको सब तरफ फैला देना है अच्छे से और बाद में इसको हाथ से निचोड़ लेना है। तो देखिए इसको अच्छे से हम हाथ से निचोड़ लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से कर लीजिए। ओके ठीक है, तो देखिए अभी हम हमारे जार में इसको ऐड कर लेंगे, कांच का जार है तो जार में इसको मिला लेना है ठंडा होने के बाद, और मिलाने के बाद इसको अच्छे से घोल लेना है। तो देखिए इसको अब ढक्कन लगा के हम इसको लगभग इसको 1 मंथ लगता है, 1 मंथ के लिए इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी ये अगले दिन इस देखेंगे हम इसको, तो देख सकते हैं अगले दिन हमें काफ़ी अच्छा इसमें झाग दिखाई दे रहा है। तो देखिए खोल के बताते हैं आपको। तो देखिए काफ़ी अच्छे बबल्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ये थोड़ा एयर लॉक जो है वो प्रॉब्लम आ गया इसको, इसलिए वो बबल नहीं दिखाई दे। तो देखिए 1 महीना हो चुका है इसको, 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये डिस्टिल के लिए रेडी है, पता नहीं अजीब सी बदबू आ रही है इसकी, बहुत ही, मैंने इतने सारे वाइन बनाए, शराब बनाई, लेकिन इससे मतलब उन सबसे इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी बुरी है, एकदम मैं बता नहीं सकता आपको, एकदम ख़राब है।
तो चलिए कुकर में ऐड कर लेते हैं। ओह नो, क्या सेंट आ रही है पता नहीं बाबा। तो चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं, बाद में हमारा जो डिस्टिल का जुगाड़ है वो आप लोगों को सभी को पता है, जिनको नहीं पता है आप पहले वीडियोस देखिए उनसे सीखिए। तो चलिए चूल्हे को ऑन कर लेते हैं, इंडक्शन चूल्हा। और चलिए अभी इसमें जो हमारा जो स्प्रिंग वाला पाइप है कॉपर का वो उसमें हम लगा देंगे। और यहाँ पे हम एक इसमें सामने कुछ लगा देंगे, ग्लास लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए एक कांच का ग्लास है हमारे पास वाइन का, तो वही लगा लेंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको 5 मिनट लगेंगे, मैं पानी ऐड कर लिया, उसमें पानी भी लगता है इसको, ठंडा पानी। तो देखिए 5-10 मिनट के बाद इसमें आपको इस तरह से कुछ बबल नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब हाइट मेंटेन करने के लिए वहाँ पे थोड़ा वो ये दिया हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको टेंशन दिया हो एक लकड़ी लगा के, और इस तरह से ये सेटअप किया हो। तो देखिए काफ़ी अच्छा इसमें बबल्स नज़र आ रहे। तो अभी हमारी जो शराब है, जो हमारा जो राइस ओड़का है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर में हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आउटपुट है। लेकिन ये जो पहला वाला है इसे हमें फेंकना होगा, क्योंकि मैं हमेशा फेंकता हूँ, आपको पता होगा ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इसे फेंकना ज़रूरी होता है। तो चलिए दूसरी बॉटल लगा के हम इसको फेंक देंगे। चलिए यहाँ पे इसको मैं वाइन की बॉटल लगा लिया हूँ यहाँ पे। और अब ये जो निकाला है हमने, ये इतना वाला लगभग ये थोड़ा सा ही है, तो इसे हम फेंक देंगे। और ग्लास को अच्छे से धो के वापस इसमें रख लेंगे, हमको ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। और ग्लास को अच्छे से क्लीन वाटर से साफ करके रख देंगे। तो देखिए बॉटल लगा के दिया है मैंने, तो ये भरेंगे आप, पता नहीं कितना निकलेगा। राइस ओड़ का है तो इसका जो स्मेल है बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। तो थोड़ी देर में अभी इसे हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, जला के भी देखेंगे उसको थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ से हमें कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो बबल्स है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे पानी भी थोड़ा गर्म हो चुका है, तो कोई बात नहीं, इसको बदल लेना है, टाइम टाइम पे बदल लेना है इसको। ये तो जो वाइन है हमारी, जो हम डिस्टिल कर रहे हैं जो भी, वो क्या होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ से इसे कंडेंस होने के लिए काफ़ी ठंडा पानी लगता है, तो पानी समय समय पे ऐड करना ज़रूरी होता है। तो देखिए इसमें मैं पानी ऐड कर लिया हूँ ठंडा, ओके। तो चलिए अभी हम इसमें इसकी फ्लेम चेक करेंगे, पता नहीं कैसी फ्लेम आएगी, मैं राइस वोड़ का पहली बार किया हूँ। और देख सकते हैं फ्रेंड्स जो फ्लेम है वो काफ़ी ब्लू आ रही है और एकदम प्योर है, ये तो काफ़ी अच्छी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अच्छी फ्लेम आएगी इसकी। और जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। तो देखिए अभी बॉटल अब कितनी आएंगी, पता नहीं कितना जनरेट होगा इसमें से ओड़का हमारा, ये राइस ओड़का है फ्रेंड्स। आप बड़ी आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो देखिए अभी मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर किया हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं आपको पूरा बता देता प्रोसेस। तो ये लगभग मेरे ख्याल से कितना जनरेट हुआ है यहाँ पे ओड़का, मेरे ख्याल से ये 400 के आसपास होगा, 400 ml के आसपास। तो लगभग 400 या 450 ml ओड़का हमें राइस ओड़का हमें यहाँ से जनरेट होके मिला है। तो फ्रेंड्स यही होता है ये प्रोसेस, अगर मतलब पूरा वीडियो ऐसा बताए आपको जो लाइव होता है, तो वो वीडियो काफ़ी 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं, इसलिए मैं ये शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए एक पैक बना लेता हूँ, ये आपके नाम है, मैं वैसे ये पीता नहीं हूँ, मेरे को उसकी स्मेल ही बड़ी अजीब से आ रही है, तो मैं नहीं पीऊँगा ये। लेकिन जो लोग राइस ओड़का पीते हैं उनको ये अच्छा काफ़ी भाता है ये, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही अजीब आ रही है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।